हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम नहीं मालूम होगा आपको, मेरा नाम है राकेश। जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मैं जो गैदर करके आपको देना चाहता हूँ, वो आप पूरा जानकारी के लिए हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ के रहने के लिए, जो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में रहे बेल घंटों को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली बार जो मैं नया नया वीडियोस बनाते रहता हूँ वो आप तक पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, हे गाइस, एक मैं नया इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ आज। जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो टाटा मोटर्स ने एक धमाका का वेरिएंट हमारे सामने आ चुका है अभी, वो जो है टाटा का नेक्सॉन का XM Plus S। इससे पहले हमें ना इसमें XMS का वेरिएंट आता था, तो हमें अभी XM Plus बोल के ऐड किया गया है इसमें अब हमें को। तो गाइस, इस वेरिएंट में हमें XM Plus S वेरिएंट जो है इसमें टच स्क्रीन हमें प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ अपने को स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आ जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ हमें जो XMS में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलता था लेकिन टच स्क्रीन नहीं था, लेकिन हमें इसमें सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जा रहा है XM Plus S में। उसमें भी हमें XMS में सनरूफ भी मिलता था लेकिन टच स्क्रीन नहीं था उसमें। हमें इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन हारमन का मिल जाएगा, और उसके साथ 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ आ जाते हैं। फ्रेंड्स, हम अभी जाएंगे गाड़ी के बाहर की तरफ जाके और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जो इस गाड़ी में ना फ्रेंड्स, हमें जो डे टाइम DRL लाइटिंग्स आता है उसके साथ हमको इसमें XM Plus S वेरिएंट में अब हमें जो इसका जो नया फीचर है ऑटो हेडलैम्प फंक्शन। फ्रेंड्स, जब गाड़ी को अंधेरा महसूस करेगा, जब हमें उसका बल्ब जो जल जाती है, उसके साथ रेन सेंसिंग का भी ऑप्शन है, जब भी बारिश होता है तब रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, सो गाइस, मेरा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको पसंद आया तो जो लाइक करना, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, बाजू में रहे बेल घंटों को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली बार जो मैं नया नया वीडियोस बनाते रहता हूँ वो आप तक पहुँच सकता है। फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।